मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक लड़की को पहले किन्नर बनाया गया और बाद में किन्नर बनाने वाले गुरु ने ही उसका 1 करोड़ में सौदा कर दिया। अब वह किन्नर बचने के लिए एसपी और कलेक्टर से मदद की गुहार लगा रहा है। मैं भारतीय नागरिक हूँ, मेरा भी जीने का अधिकार है। कोई काम हो तो देता नहीं और पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मांग कर ही पैसा कमाती हूँ। किन्नर समाज में न रहकर अकेले रहना चाहती हूँ, पर यह किन्नर समाज को नागवार गुजर रहा है, जिससे मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मेरे गुरु ही मुझे बेचना चाहते हैं। उन्होंने मेरा सौदा 1 करोड़ में कर भी दिया, पर मैं खुद को बेचने नहीं दूंगी। मैं कोई वस्तु नहीं जो मेरा सौदा हो जाए। इस लड़ाई में मेरे साथ कोई नहीं और वह पूरी फौज है। ये कहना है सलोनी किन्नर का, जो सीहोर एसपी और कलेक्टर के पास मदद की गुहार लगाने पहुंची थी। 26 वर्षीय सलोनी किन्नर अकेली है। उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता उन्हें कहां से लाया गया था, उनके माता पिता कौन है। जिस गुरु पर भरोसा था, जिसने पाला, अब वही मुझे बेचना चाहती है। उन्होंने कुछ साल पहले मेरी सर्जरी कराकर मेरा सेक्स चेंज किया, जिसमें करीब 10 लाख रुपए लगे थे। इस 10 लाख रुपए को वसूलने के लिए वो मुझे बेचना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने सौदा भी कर लिया है। सलोनी ने बताया कि उसके गुरु सुनीता ने उसे बहला फुसला कर सेक्स चेंज कराया, फिर बंदी बनाकर रखा और गलत काम भी करवाए। सलोनी का कहना है कि उसकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है, उसके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। और क्या बोलते, तमन्ना किन्नर, उसके चेले लोग और भी गुंडे लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे मांगने खाने नहीं देते हैं और मुझे मारने की धमकियां देते हैं। कल मेरे यहाँ पे गुंडे पहुँचा के मुझे मारपीट करने की कोशिश की, जिस बीच बचाव में मेरे साथ मेरे मोहल्ले के लड़कों ने मुझे बचाया और कहते हैं कि अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम तेरा मर्डर करवा देंगे, तुझे भगवा देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, जो मेरा जन्म अधिकार है मुझे मांगने खाने का मुझे मिले। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से आधा किलो सोना, आधा किलो चांदी, 1 किलो सोना, ये सब झूठे झूठे आरोप लगा के मेरे ऊपर चोरी का इंजाम लगा रहे हैं, जिसमें कि मैंने वहाँ पर कमा कमा के अपने गुरु को कमा कमा के दिया और मैंने मकान भी बनाई वहाँ पर, और मैंने 35 साल के बंद पड़े गांव में उनने मेरे से मेहनत करवाई, मेरी सारी कमाई लूट के ये देखिए मुझे ऐसा मारा गया, ये टाकों से आ गए। जिस प्रति मैं रायसेन में रहने लगी थी किराया से, मैं अपना मांगने खाने का काम करती थी, तो ये तमन्ना के चेले और उनके साथियाँ लोग मेरे कमरे पे आके मुझे धमकियाँ देते थे, मुझे मारते थे और कहते थे कि अगर तू नहीं जाएगी तो हम तेरा मर्डर करवा देंगे। कई बार उन्होंने मेरे बाल खींच खींच के देखो मेरे को इस जख्म को और गहरा करने की कोशिश करें। वहीं इस मामले में सीहोर एसपी का कहना है कि मामला सामने आया है, सलोनी ने आवेदन दिया है, जांच की जाएगी और हर संभव मदद की जाएगी। दोपहर न्यूज़ के लिए सीहोर जिले से अनिल मालवीय की रिपोर्ट।